भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अक्सर ट्रेन में सफर करते हुए सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को खाने को लेकर होती है, लेकिन बदलते समय के साथ भारतीय रेलवे भी विकसित हो रहा है। अब इसी कड़ी में रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे में अब यात्री व्हाट्सएप पर ऑर्डर दे सकेंगे। बस इसके लिए आपको अपने PNR नंबर की जरूरत होगी, जिसके माध्यम से आप अपने रेलवे के सीट की स्टेटस जानते हैं। वहीं बैठे बैठे अपनी सीट पर आप भोजन ऑर्डर कर बहुत ही आसानी से भोजन प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय रेलवे के PSU इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC ने इसके लिए विशेष रूप से एक वेबसाइट भी बनाई है। रेलवे ने www.catering.irc.co.in के साथ साथ अपने ई केटरिंग ऐप फूड ऑन ट्रैक के माध्यम से ई केटरिंग सुविधाएं शुरू करवाई हैं। भारतीय रेलवे ने अपनी ई केटरिंग सर्विस को और ग्राहकों के लिए ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए ये कदम उठाया है। इसके लिए बिजनेस व्हाट्सएप नंबर भी शुरू किया गया है। अब यात्री 8750001323 नंबर पर ऑर्डर बुक कर सकेंगे। हालांकि इस सुविधा के लिए IRCTC के फूड डिलीवरी सर्विस जूप ने जियो हैप्टिक के साथ पार्टनरशिप की है। इससे यात्रियों को व्हाट्सएप पर चैटबॉट सर्विस की सुविधा मिल जाएगी। IRCTC की फूड डिलीवरी सर्विस जूप ने पैसेंजर्स को सीट पर खाना ऑर्डर करने की सुविधा के लिए जियो हैप्टिक के साथ पार्टनरशिप की है। इससे व्हाट्सएप पर आपको आसानी से खाने की सुविधा मिल सकती है। व्हाट्सएप के जरिए पैसेंजर्स को खाना ऑर्डर करने के लिए PNR नंबर की जरूरत पड़ेगी। यात्री PNR के जरिए आसानी से अपना खाना ऑर्डर कर सकेंगे। खास बात ये होगी कि आपको खाना ऑर्डर करने के लिए किसी दूसरे ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड नहीं करने पड़ेगी। आपको बता दें कि खाना ऑर्डर करने के बाद आप चैटबॉट यानी वर्चुअल रोबोट के जरिए आप रियल टाइम फूड ट्रैकिंग कर पाएंगे। इसके अलावा आप फीडबैक और ऑर्डर से संबंधित रिपोर्ट की सुविधा भी आपको चैटबॉट के जरिए मिल जाएगी। ट्रेन में यात्री UPI पेमेंट या फिर नेट बैंकिंग या कैश में पेमेंट कर पाएंगे।